सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जब संभाग में पार्टी बनी है तो पार्टी की कहाँ से अरे तुम तो ठीक हो लगे कोने में कीखे कीखे मुझे मतलब नहीं है। जब हम लोग का सम्मान नहीं रहेगा, मेहनत का सम्मान नहीं रहेगा, हम मेहनत क्यों करेंगे? अपने बच्चे लेने जाके हम क्या इस पार्टी के पीछे बोलेंगे लड़ेंगे? जब महिलाएं बुलाई जाती तो क्या जाता क्या सिंह भाई यार, हमसे रात में कहा भी रखे थे वो टिकट दे दिया जाएगा। हमने कहा हम सम्मान के साथ सेवा करेंगे, वो जब हमारा टिकट काट दिए बोले तुम्हारे जेठ लड़ रहा है, तो हमने कहा कि ठीक है मुझे जेठ पे लड़ाई नहीं करना, आप उनको टिकट दे दो। उनको भी टिकट नहीं दिया गया जो 20 साल पुराने कार्यकर्ता है। हमारे जेठ को 5 बार बिठाना गया, हमने बोला वो मेहनत की बात से मेहनत की खुद पे मेहनत पहचानती तेरे सुन जी। तो मैं तो चाहती थी महिलाएं जुड़वाई, मैं ललितपुर से भी यादव को जुड़वाया जो यादव समाजवादी पार्टी से खपा थी, मैंने उनके लिए समाजवादी पार्टी में जुड़वाया समझाया कि यहाँ नीचे नेता कैसे भी हो ऊपर नेता अच्छे हैं, वो जब मैं मेहनत करने के बावजूद मेरा हक काट के किसी को दिया जाएगा मैं अपनी पार्टी की फरमाई नहीं कर रही, लेकिन जब मेरा हक ऊपर से नीचे तक मेरा नाम आया और मेरा टिकट काटा गया किसी को कल बात हुई थी कि 3 कैंडिडेट में से किसी को नहीं दिया जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है हम इस चीज में खुश हैं, फिर मेरा टिकट काट के किसी अन्य को दिया जाएगा तो बताइए हम कहाँ तक काम करें। हम पार्टी छोड़ देंगे, हम घर में बैठे अपने बच्चों का देखेंगे, हम दुनिया की तो दुश्मनी क्यों लेंगे साथ में? मल्ला खन्ना सब कुछ उसको टिकट दिया गया वो अपनी अपनी तो निपटा नहीं पाता, किसी की क्या निपटाएगा? जब उसके मकान के दरवाजे दरवाजा हुआ तो एक औरत को बुला के कहता मीरा तुम इधर आ जाओ पुलिस को फोन कर दो, मैं दरोगा को पुलिस को फोन क्यों करूंगी? मेरे साथ तो एक रात में मैं पार्टी भी नहीं करी, रात में मेरे साथ 3 साल से अत्याचार हो रहा और मेरा 2 साल हो रहा, लेकिन मैं अपनी माँ बाप की इज्जत लेके यहाँ हमेशा निभाती चली जा रही हूँ, मुझे हमेशा नीचे जाने का काम कर रहा हूँ। और पुष्पा सैयद को मैंने से कहा था कि तुम टिकट ले जाओ और मिठाई का चेयर में नहीं कर सकती मांग रही, मैंने कि नहीं भैया बड़े बड़े लगे हमें सब छोटा टिकट चाहिए, तो पुष्पा सैयद बोले आपका टिकट हो गया, ज्ञान सिंह भैया बोले मीरा बताओ क्या करें, मैंने कि भैया जब लड़ाई हो रही तो आप बोले मीरा कोई तो नहीं जा रहा, लेकिन नहीं तो हम सैयद से कह के घर लौटा दिया गया, वो सुबह पर्चा भर दिया गया, हमने कहा तो जब भैया आपने कहा हम आपसे कहने लगे कि कल आप क्या कह आए थे कि मीरा ने हाँ हमने कही नहीं, हमने मीटिंग में देखो हमेशा जो गया ना जब हम जैसे कार्यक्रम के लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी तो हम फिर बेकार हो, हमारे राज्य गांधी को तो यही पता नहीं हमें जिंदगी में कभी टिकट नहीं चाहिए ना कभी चुनाव लड़ेंगे, साल बाद में से अध्यक्ष जी का पूरी याद हम मेरी मम्मी जब कोई लेडीज पार्टी में नहीं थी जब से जहाँ से मेहनत कर रही है चंपाल जी दीपक से यहाँ से छत्रपाल यादव जिला मुख्यमंत्री टिकट ले जाइए तो मेरा टिकट कटा है या किसी को दिया गया या मतलब कि किसी को नहीं दिया गया, मैं अपने भैया से जानना चाह रही इसके बाद जिंदगी भैया कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आपने मुझे आश्वासन दिया था, हमें अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था, हमने ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जी आपको नहीं चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन राजनेता को कभी राजनीति लेकिन भैया मैं अपनी पार्टी का कभी विरोध नहीं करूंगी, मैं अपनी पार्टी में रहूंगी और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे जिंदगी में ऐसा भैया टिकट नहीं मांगूंगी। आप क्या कर रही हो सकता है पार्टी आपको इसका कभी ना कभी बहुत कुछ आपको और हमेशा पेशेंस समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है अपने आप में कि जो लोग धैर्य धीरज के साथ काम करते हैं निश्चित तौर पर जो नेतृत्व हमारा ना आपको आपका जो त्याग है वो कहीं पर नहीं आएगा, आप निश्चित तौर पर
परेशान ना हो, सब लोग आपके साथ में। नहीं भैया, मैं आपका भी आपका क्या था आपको कल कुछ बस लेकर नामांकन करो, भगवान का भी बहुत अच्छी जीत जीत उसको मिले। चलो आशीर्वाद दो उसके, ठीक है ले।